हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं जो समझती हूँ वो समझती हूँ कि कोई छोटा बड़ा यूट्यूबर नहीं होता है। सारे यूट्यूबर मुझे एक से लगते हैं, किसी के ज़्यादा सब्सक्राइब होते हैं और किसी के कम सब्सक्राइब होते हैं। और आज का वीडियो आप जो देख रहे हैं, ना कोई ब्लॉग मैं शेयर करने वाली हूँ और ना ही मैं कोई आपको मेकअप लुक दिखाने वाली हूँ यहाँ पे आज। और मैं कुछ तरह का कुछ भी ऐसा आज शेयर करने वाली इस वीडियो में नहीं हूँ बिल्कुल भी। बस जो आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं यही बात कहना चाहती हूँ गाइस कि मैंने एक अभी एक वीडियो शेयर किया था, तो उस पर मैंने एक अपना जो टाइटल और थंबनेल टाइटल जो लगाया था, बी नेचुरल बी फ्रेश ऐसी करके एक बी ग्लॉसी समर मेकअप लुक शेयर किया था गाइस। उस पर मुझे कितने सारे हेट्स कमेंट आ गए हैं। और एकदम से मैंने देखा जब मैंने वीडियो को अपलोड ही किया था, तो पहले तो डिसलाइक आ गए काफ़ी सारे और उसके बाद में हेट कमेंट आ गए। और हेट कमेंट के अंदर भी कमेंट्स मतलब जिन्होंने भी किए हैं, और उसमें कि आपने ऐसा मेकअप लुक कर दिया है, ये कर दिया है, और आपने मतलब जो टाइटल ले लिया है किसी का। तो गाइस मैंने सोचा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है, मैं देखती हूँ। तो मैंने जब बी नेचुरल करके ऐसे सर्च किया तो मेरा वीडियो सेकंड पोस्ट पर आ रहा था। तो गाइस दी और जीजू के चैनल पर आ रहा था। तो दी और जीजू तो मेरे माई फेवरेट हैं बहुत ज़्यादा, मैं उनका जो चैनल देखना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। सोचिए गाइज, अगर मैं किसी का टाइटल या कुछ भी रखती हूँ तो कितने व्यूज़ आ जाएंगे मेरे खुद के। खुद का कंटेंट देख के ही गाइज व्यूज़ आते हैं, लोग आपको सब्सक्राइब करते हैं, तो खुद का कंटेंट देख के ही आपको सब्सक्राइब करते हैं। कोई किसी को ऐसे ही सब्सक्राइब नहीं करता है, ना ही व्यूज़ आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि किसी का हम टाइटल लगा लें या कुछ लगा लें तो आपके चैनल पर व्यूज़ आ जाएंगे। और आप मेरी वो वाली वीडियो चेक करेंगे गाइज चैनल पर जो मेकअप की है, तो वो आप पढ़ेंगे तो उसमें दी और जीजू का बिल्कुल भी नाम नहीं है गाइज। तो प्लीज़ हेट कमेंट करना बंद कीजिएगा, और मैं ज़रूर बताऊंगी कि किसने मुझे हेट कमेंट किया था, लेकिन मैं इसमें नाम नहीं लूंगी उनका। और मैं जानती हूँ जिन्होंने भी हेट कमेंट मुझे किया है, तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस बार हेट कमेंट मत कीजिएगा। अगर आपको डिसलाइक करना है आप कर दीजिए, लेकिन प्लीज़ इस तरह के हेट कमेंट आप मुझे मत कीजिएगा। अगर गाइज आप लोगों को इस तरह के कोई हेट कमेंट्स आता है तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा बुरा लगता है सुनकर भी और पढ़कर भी हेट कमेंट्स के बारे में। आप लोग सब अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को, तो प्लीज़ आप हेट कमेंट क्यों कर रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद अगर आपके चैनल पर हेट कमेंट्स आते हैं तो दिल भी ज़्यादा दुखता है और लगता है कि पता नहीं क्या लिख दिया होगा, क्या होगा, आपकी नींद भी भाग जाती है पूरी तरीके से। आप जान सकते हैं हेट कमेंट्स कितने ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं इंसान को, आप लोग तो अच्छे से समझ सकते हैं गाइस। जितने लोग मुझसे एग्री हैं इस बात को, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि हेट कमेंट्स किस किस को बुरे लगते हैं। तो जानते ही होंगे अगर किसी को एक हेट कमेंट आता है, चल जाता है, दो आते हैं, तीन आते हैं, तो लगता है गाइज मेरे चैनल पर हेट कमेंट क्यों आ रहे हैं। पढ़ने में भी तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं हेट कमेंट्स। गाइज मैंने कुछ सोच समझ कर उसका टाइटल नहीं रखा था, बस ऐसे ही मैंने फ्रेश लुक और समर स्पेशल देने के लिए उसका टाइटल रख दिया था कि बी नेचुरल बी फ्रेश समर स्पेशल ग्लॉसी मेकअप लुक, क्योंकि इस समय गर्मियां हैं आप जान सकते हैं, और मेरा मेकअप का चैनल है तो मैंने उसी हिसाब से वो मेकअप लुक किया था, तो मैंने आप लोगों से वो शेयर कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे हेटर्स लोग हैं जो ना तो चाहते हैं कि आपका चैनल ग्रो करे और आगे बढ़े, तो वो इसलिए ज़्यादा हेट्स कमेंट करते हैं। गाइज प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। जिससे कि आप अगर किसी को मोटे हैं, किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, तो प्लीज़ बैड कमेंट मत करिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप डीएम भेज रहे हैं गाइस कि आपने टाइटल ले लिया, टाइटल ले लिया, आपके चैनल पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे चैनल पर ऐसा कुछ नहीं होगा। दी और जीजू बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं गाइस, मैं काफ़ी टाइम से उनके वीडियोज़ को देख रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लोग ये समझते हैं और सभी लोग जानते होंगे दी और जीजू के बारे में तो, कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो लोग। और यही मैं इस वीडियो में कहना चाहती हूँ, प्लीज़ हेट कमेंट करना बंद कर दीजिएगा।